यीशु दूसर कहानीन का शिक्षा देता। यीशु परमात्मा के राज्य के बारे में दूसर बहुत सी कहानी सुनाइन। उदाहरण के लाने ऊ कहिन, परमात्मा के राज्य एक ठेराई के दाना के समान है, जही को अपन खेत में बो दईस। तुम जनते हा कि राई के दाना सारा दानन में सबसे छोट होता, पर जब राई के दाना बढ़ जाता तब वह बगीचा के सारा पेड़ में सबसे बड़ा हो जाता, इतना बड़ा कि पक्षी आके ओके शाखा में आराम करती। यीशु एक ठे दूसर कहानी बताइन, परमात्मा के राज्य खमीर के समान है, जही लई के एक ठे मेहरिया आटा के पिन में मिला देती तब वह सारा पिन में फैल जाता। स्वर्ग के राज्य वह खजाना के समान है, जही कोनो खेत में छिपा दईस, कोनो दूसर मनई का वह खजाना मिल गा और वह ओही पामा का बहुत चाह करीस, ऐसे वह ओही फिर से गाड़ दईस। वह आनंद से इतना भरो रहो है कि वह जाके अपन सब कुछ बेच दईस, ताकि वह खेत का खरीद सका जहाँ वह खजाना रहो है। स्वर्ग के राज्य एक ठे बहुत कीमती शुद्ध मोती के समान भी है। जब को मोतियन के व्यापारी वही पाले था तब वह वही खरीदा के लाने अपन सब कुछ बेच दे था। उन कुछ मनई रहे हैं जो उन सोचत रहे हैं कि परमात्मा उन्हीं ऐसे स्वीकार करही कहे से कि ऊ भला काम करत थी। यह मनई ऐसे मनईन का तुच्छ मानत रहे हैं जौन ऊ भला के काम का नहीं करत रहे हैं। यही से यीशु उन्हीं यह कहानी बताइन, दूठी मनई रहे हैं और दोनों ही प्रार्थना करे के लाने मंदिर में गए। उन मन से एक ठे चुंगी ले वाला रव है और दूसर एक ठे धर्मी अगुआ रव है। वह धर्मी अगुआ ऐसे तरह से प्रार्थना करीस, हे परमात्मा तोर धन्यवाद हो कि मैं दूसर मनई के समान जैसे कि डाकू, अन्यायी, व्यभिचारी या यहो तक कि हिन उपस्थित वह चुंगी ले वाले के समान एक ठे पापी नहीं हूँ। उदाहरण के लाने मैं हर सप्ताह में दो बार उपवास रखत हूँ और मैं मोही मिला वाला धन और सामान के दसवा हिस्सा तो ही देत हूँ, पर वह चुंगी ले वाला वह धार्मिक अगुआ से बहुत दूर खड़ा होएगा, वह ऊपर स्वर्ग के तरफ आँखी भी नहीं उठाई। एके बजाय वह अपन मुट्ठी से अपन छाती का पीटिस और प्रार्थना करीस, हे परमात्मा कृपा करके मोरु पर दया कर, कहे से मैं एक ठे पापी हूँ। फिर यीशु कहिन, मैं तुम्ही सच कहा था, परमात्मा व चुंगी ले वाला की प्रार्थना का सुनिन और वो ही धर्मी घोषित करही, पर ऊ व धार्मिक अगुआ की प्रार्थना का पसंद नहीं करिन। परमात्मा हर एक ठे घमंडी के सिर का नीचा करी, पर वह हर व जन का आदर देई जौन स्वयं का नम्र करती। मत्ती अध्याय 13:31-33, 44-46, मरकुस 4:30-32, लूका 13:18-21, 18:9-14 से बाइबल की एक कहानी।